नमस्कार राजस्थान के युवाओं, राजस्थान के प्रतियोगियों का मिशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी अभी आप तक को यूनिट पढ़ाई है उसकी अब हम आपको प्रैक्टिस करवा दें। तो पिछले दिनों से अब हमारे क्वेश्चन आंसर पैटर्न चल रहा है ताकि जितना आपने पढ़ा है उसको हम उस क्वेश्चन आंसर पैटर्न से रिकॉल करा दें, और जब हम क्वेश्चन करते हैं और उसकी हम लोग व्याख्या करते हैं तो उस क्वेश्चन के जितने सप्लीमेंट्री प्रश्न हैं वो भी आप अच्छी तरह समझ जाएं। तो पिछली जो अपनी राजस्थान की क्विज थी बेगू किसान आंदोलन की, उसमें विजेता बहुत गजब थे, बहुत बढ़ चढ़ कर आप लोगों ने भाग लिया, आप लोगों का उत्साह देखते ही बना, तो मज़ा आ गया था उसमें। तो मुझे लगा कि अगर वास्तव में आप पढ़ने वाले लोग हैं, और देखिए आपने जब मैंने 27 मार्च को जो राजस्थान में पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल में रियासत काल में कर व्यवस्था पढ़ाई थी जागीरदारी प्रथा के तहत, उस कर व्यवस्था के क्वेश्चन आंसर अपने पेंडिंग थे, तो आज मैं आपके समक्ष रियासत काल में जागीरदारी व्यवस्था के तहत यानी सामंतवादी व्यवस्था के तहत जो कर प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी, बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। जनरली ये यूनिट राजस्थान में कम पढ़ाया जाता है, कम बताया जाता है, लेकिन अच्छे प्रश्नों की अप्रोच होती है, तो बहुत प्यारी यूनिट है। देखिए आप दो प्रकार की बातें होती है, एक तो आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके पास मोबाइल लैपटॉप जो भी कंप्यूटर है, एक तो आप उसको इसलिए खोलते हैं कि आपका मनोरंजन हो और आपका टाइम पास हो, लेकिन याद रखें ये उम्र का वो कालखंड है जहाँ हमें टाइम पास नहीं करना है, टाइम को हमें बहुत अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए इन्वेस्ट करना है। तो मैं वो प्रश्न और वो बातें लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ जो आपको आने वाली परीक्षाओं में परीक्षा पेपर को हल करने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके। तो इसी श्रृंखला में आइए हम लोग चलते हैं राजस्थान में रियासत काल में, विशेषकर पूर्व आधुनिक और आधुनिक काल में जागीरदारी व्यवस्था में कर व्यवस्था। देखिए ये जो प्रश्न है ये वो कर थे, ये वो व्यवस्था थी जिस व्यवस्था से प्रभावित होकर, जिस व्यवस्था से परेशान होकर राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में किसान आंदोलन प्रारंभ हुए थे। तो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में, यानी कि अगर इस कर व्यवस्था को आपने नहीं समझा, इस जागीरदारी व्यवस्था को अगर आपने नहीं समझा, ब्रिटिश काल के ठीक पहले और ब्रिटिश काल में जो रियासत काल में कर व्यवस्था थी उसे अगर आपने नहीं समझा तो राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजाति आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रजामंडल आंदोलन, और अचानक जैसे प्रजामंडलों की स्थापना हुई, क्या कारण है कि जन लोगों ने यानी आम जन ने यानी प्रजा ने तुरंत उसमें भाग लिया। क्यों? क्योंकि वो इस कर व्यवस्था से परेशान थी, दुखी थी, इससे उनका बहुत दमन हो चुका था। तो आधुनिक राजस्थान में जितने भी आंदोलन, चाहे वो ठिकानेदारों के विरुद्ध हुए हो, चाहे वो रियासतों के विरुद्ध हुए हो, और बाद में वो आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए हो, उन आंदोलनों के कई कारणों में ये कर व्यवस्था, ये असंगत कर व्यवस्था बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण कारण थी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं ये क्विज, और वही एक बात कि इसे कल अपलोड किया जाएगा और इसका जो टाइम रहेगा हमारा, उस टाइम के दौरान मिशन की टेक्निकल टीम बैठी रहेगी, और चूंकि आप में प्रतियोगिता का माहौल बने, आप प्रतियोगिता को अच्छी तरह समझ सके, और हर क्विज में आप ये ठान लो कि इस कोरोना महामारी के काल में जब तक आप ऑफलाइन कक्षाओं में टेस्ट पेपर नहीं दे सको, इस प्रकार की ऑनलाइन क्विज में आप अपने आप को प्रतिभागी बनाकर और अपने अंदर का जो कॉम्पिटिटिव है उसको जगाओ और उसके अंदर पढ़ने की भूख पैदा करो कि नहीं, मेरा नाम भी अगली बार फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना चाहिए मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मिशन अपनी मोबाइल ऐप का काम बहुत युद्ध स्तर पर कर रहा है, और मोबाइल ऐप हम लोग कोई साधारण मोबाइल ऐप नहीं लेकर आ रहे हैं, आप लोग अपनी विषय वस्तु को अच्छी तरह पढ़ सके, समझ सके और आत्मसात कर सके, इसलिए टेक्निकल लेवल पर टेक्नोलॉजी, कुछ लोग पीपीटी बनाकर बोलते हैं, बोले हम बहुत गजब की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, लेकिन
ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या होता है और उसे किस प्रकार से किया जाता है, ये मिशन अपनी ऐप में करके दिखाएगा और वो जो इफेक्ट्स आपको विषय वस्तु को समझने में आसानी करेंगे, तो वो कार्य हम कर रहे हैं। इसलिए मिशन का पूरा मैनेजमेंट, सारी फैकल्टी और हमारी टीम उसके ऊपर लगी हुई है। बहुत जल्द वो मोबाइल ऐप हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हमारी टेक्निकल टीम बैठी हुई है, अब हम क्विज प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी तैयार हो जाइए, 6 सेकंड का टाइम हर प्रश्न के पश्चात आपको मिलेगा। उस 6 सेकंड में आपको अपना उत्तर देना है। एक बार आप ये दे दीजिए उत्तर, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम की वजह से आपके वहाँ से वो जल्दी नहीं हमारे पास पहुँच पाए, किसी की नेट की गति धीमी होती तेज होती है, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम बहुत विश्लेषण करने के बाद विजेताओं के नाम डिक्लेयर करती है। तो इसी श्रृंखला में मिशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की तीसरी क्विज जो राजस्थान जीके से संबंधित है वो है आपके सामने। और ये रहा इस क्विज का पहला प्रश्न, और ये प्रश्न है, राजस्थान में राज्यों की भूमि सामान्यतः विभाजित थी। देखो यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, राजस्थान में राज्यों की भूमि, यहाँ राज्यों की भूमि का मतलब रियासतों की भूमि सामान्यतः विभाजित थी। और इसके विकल्प हैं, पहला खालसा, दूसरा हवाला, तीसरा जागीर और चौथा उक्त सभी। तो बहुत साधारण प्रश्न है, तुरंत आपने उत्तर दे दिया होगा। मैं मानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर लगभग सबका सही होगा। तो इसका राइट आंसर है 4, उक्त सभी, यानी राजस्थान में रियासत काल में भूमि जो थी वो खालसा, हवाला और जागीर इन 3 भागों में बटी हुई थी। और मैंने आपको जागीरदारी व्यवस्था में बता रखा, खालसा किसे कहते थे, हवाला किसे कहते थे और जागीर किसे कहते थे। और जिसको इसकी जानकारी नहीं है, पुराना वीडियो मेरा आपने देखा नहीं है और आप डायरेक्ट प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो ये सब बातें क्या होती है, आप राजस्थान में जागीरदार रियासत काल में कर व्यवस्था की यूनिट आप पूरी पढ़ें सुने, छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी यूनिट, एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये है क्वेश्चन, खालसा भूमि का प्रबंध व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था। खालसा भूमि का प्रबंध व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था, और ये रहे इसके विकल्प। विकल्प नंबर 1 दीवान के द्वारा, विकल्प नंबर 2 हवालदार के द्वारा, विकल्प नंबर 3 जागीरदार के द्वारा और विकल्प नंबर 4 कृषकों के द्वारा। देखिए आप प्रश्न को ढंग से समझना, फिर जल्दबाजी में उत्तर मत देना। आप क्विज है, आपके सभी प्रश्न सही होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मिशन की इस क्विज में फर्स्ट आना है, ये तो आपका पेशन होना चाहिए, लेकिन उत्तर सही जाए ये आपका विवेक होना चाहिए। तो खालसा भूमि का प्रबंध व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था, 4 विकल्प, और इसका राइट आंसर है दीवान के द्वारा। जो रियासत में दीवान का पद होता था, राजस्व उसके अधीन होता था, राजस्व की व्यवस्था को वो देखता था। तो खालसा भूमि कौन सी भूमि कहलाती थी, वो भूमि जो सीधी रियासत के नियंत्रण में रहती थी, वो भूमि जो रियासती सरकार के नियंत्रण में रहती थी, जिसका नियंत्रण सीधा रियासत के अधीन था, वो खालसा भूमि कहलाती थी और उसका प्रबंध और नियंत्रण दीवान के द्वारा किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है 1। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न हल करना सीखिए आप, ऐसे विश्लेषणात्मक प्रश्नों को अगर आपने हल करना सीख लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये, खालसा भूमि, देखिए निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन ये है, खालसा भूमि राज्य के सीधे स्वामित्व में रहती थी। कथन नंबर 2 है, जागीर वह भूमि थी जो राज्य की ओर से सैनिक सेवा व अन्य सेवाओं के उपलक्ष्य में सामंतों या कर्मचारियों को दी जाती थी। देखिए 2 कथन है और इन दोनों कथनों को आपको ढंग से समझना है
और उसके बाद दिए गए विकल्पों में आपको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के विकल्प हैं आपके सामने ये रहे। विकल्प एक है केवल ए सही है, विकल्प दो है सिर्फ बी सही है, विकल्प तीन है ए और बी दोनों सही है, और विकल्प चार है ए व बी दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर, सबको ही राइट आंसर देना है इसका, तो इसका राइट आंसर है आपने दे दिया। अब मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर है तीन, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों ही सही है। यस, खालसा भूमि सीधा राज्य के स्वामित्व में आती थी, जागीर भूमि आपको पता ही है कि जागीर व्यवस्था जो है वो सैनिक सेवा राज्य की ओर से किए गए किसी उत्कृष्ट कार्य के उपलक्ष्य में जागीरें प्रदान की जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर। खालसा भूमि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए आप, बहुत अच्छा प्रश्न है, खालसा भूमि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको चारों ही कथन समझने हैं फिर उसके उत्तर देने। इसके चारों विकल्प है आपके सामने ये। तो विकल्प नंबर एक है इस भूमि पर राज्य का सीधा नियंत्रण होता था, विकल्प नंबर दो है अधिक पैदावार वाले गांव खालसा भूमि में रखे जाते थे, विकल्प नंबर तीन अनुमानतः राज्य की कुल भूमि का 50% भाग इस भूमि के अंतर्गत आता था, विकल्प नंबर फोर इस भूमि में लगान निर्धारण व वसूल करने का कार्य राज्य यानी कि रियासत यानी केंद्रीय व्यवस्था के अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, खालसा भूमि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये जो चार कथन है इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? तो आप इसका उत्तर दीजिए और समझ कर दीजिए, विकल्पों को अच्छी तरह से आप समझिए। ये एक प्रश्न आपके कई प्रश्नों को तैयार करेगा, और जो रियल स्टडी करता है, जो वास्तव में किसी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने की इच्छा से और जुनून से पढ़ रहा है, वही ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाता है। और इसका राइट आंसर है तीन। क्या गलत है? अनुमानतः राज्य की कुल भूमि का 50% भाग इस भूमि के अंतर्गत आता था। देखिए आप, असत्य कथन है ये, ऐसा कोई निर्धारित नहीं था कि 50% खालसा किया जाएगा। अलवर रियासत में देखो आप, खालसा भूमि कितनी थी, बहुत ज़्यादा थी, 80% के लगभग। तो अलग अलग रियासतों में कोई ऐसा निर्धारण नहीं था। तो बाकी के तीनों विकल्प सही है, और जनरली खालसा भूमि में राज्य के अच्छे क्षेत्र रखे ही जाते थे, सीधा नियंत्रण राज्य के अधीन ही हुआ करता था, और बाकी के चारों विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर तीन इसका गलत है, बाकी सब राइट आंसर है। और देखिए आप, एक और बात है, अधिकांश रियासतों में राज्य की कुल भूमि का लगभग 20-30% भाग, लगभग 20-25% भाग खालसा के अधीन आया करता था, और बाकी का भाग जागीरदारों में जाया करता था। तो केवल अलवर रियासत ऐसी थी जहाँ खालसा क्षेत्र बहुत अधिक था। तो अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर पाँच है, जागीरदार की निसंतान मृत्यु होने पर उसकी भूमि खालसा कर ली जाती थी, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। जागीरदारी व्यवस्था को पढ़ते समय मैंने आपको बताया भी था, आप सबको पता होना चाहिए, और इसके विकल्प हैं ये। पहला घरूहाला, दूसरा राजगामिता, तीसरा इजारा, और चौथा है मुस्तरका। ये चार विकल्प हैं, आपको मैंने बताया है, बहुत सरल सा है, और विकल्प को भी आप ढंग से देखें तो आपको लगेगा कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं लगाना, क्योंकि माइनस मार्किंग वाले पेपर में अंदाजों से अगर प्रश्न हल किया जाए तो कभी कभी उसका हमें खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। आप कॉन्फिडेंट है तभी उसका उत्तर आपको देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दो, राजगामिता कहा जाता था। जागीरदार की निसंतान मृत्यु होने पर उसकी भूमि खालसा कर ली जाती थी, ये प्रक्रिया कहलाती थी राजगामिता, राज्य के अधीन कर लेना। तो इसके पश्चात हम आते हैं क्वेश्चन नंबर छः में, तो
और ये रहा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 6 और ये है जागीर भूमि का निम्न में से प्रकार है। देखिए आप जागीरों के प्रकार पूछे जा रहे हैं इसमें और मैंने आपको बताया था, देखिए इसके विकल्प है आपके समक्ष ये रहे। विकल्प फर्स्ट सामंत जागीर, विकल्प सेकंड हुकूमत जागीर, विकल्प थर्ड भौम जागीर और विकल्प 4 उक्त सभी। क्या रियासत काल में इनमें से जागीर का भूमि के कौन सा प्रकार था और कौन सा नहीं था, ये आपको पता करना। तो इसका राइट आंसर है, दीजिए आप लोग राइट आंसर। अगर आप ये सोचते हैं मैं आपको समय कम दे रहा हूँ तो नहीं, मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ, स्क्रीन पर डिजिटली 3D इफेक्ट में आपके सामने क्वेश्चन आ भी रहे हैं, आंसर आ भी रहे हैं, तो आप सुन भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं। तो यस, इसका राइट आंसर है उक्त सभी। बताया था मैंने आपको सामंत जागीर, हुकूमत जागीर और भौम जागीर, है ना। जब राज्य के हितार्थ कोई बहुत अच्छा बड़ा बलिदान कर देता था तो उसे उस राज्य के हितार्थ किए गए, रियासत के हितार्थ, उस राजवंश के हितार्थ किए गए बलिदान के एवज में भौम जागीर दी जाती थी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सी जागीर कर मुक्त होने के कारण माफी जागीर भी कहलाती थी। देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रश्न को समझकर फिर आप उत्तर देना, इसलिए मैं विकल्प आपको देरी से दे रहा हूं। इसके विकल्प रहे ये सामंत जागीर, शासन जागीर, भौम की जागीर और हुकूमत जागीर। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी जागीर कर मुक्त होने के कारण माफी जागीर भी कहलाती थी। विकल्प नंबर फर्स्ट सामंत जागीर, विकल्प नंबर सेकंड शासन जागीर, विकल्प नंबर थर्ड भौम जागीर और विकल्प नंबर 4 हुकूमत जागीर। माफी जागीर भी कहलाती थी, प्रश्न को ढंग से समझना। और तो इसका राइट आंसर है 2, शासन जागीर। शासन जागीर ऐसी होती थी जो कर मुक्त होती थी और उसे माफी जागीर के का ही एक भाग होता था। शासन जागीर सामान्यतया धर्मार्थ, शिक्षण कार्य, साहित्य लेखन के लिए चारण व भाटो आदि को अनुदान स्वरूप दी जाती थी। तो शासन जागीर जो कि अनुदान में दी जाती थी धर्मार्थ और शिक्षण और साहित्य लेखन के कार्य के लिए, तो ये जागीर कर मुक्त होती थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है, लड़की के विवाह के समय अदा करने वाली लाग कहलाती थी। अच्छी तरह से पता होगा आपको, सब याद आ गया होगा आपको, है ना। तो इसके विकल्प हैं ये जाजम लाग, सेकंड खिचड़ी लाग, थर्ड चवरी लाग और 4th मिसल। तो इसका राइट आंसर बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, खूब बार परीक्षाओं में भी आ गया है, इसलिए जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता है उसको भी इसका राइट आंसर आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 8 का कोई भी छात्र गलत उत्तर देगा। तो इसका राइट आंसर है 3, चवरी लाग। और किस संदर्भ में चवरी लाग आई थी, कि मेवाड़ रियासत के ठिकाने बिजोलिया में 1903 में बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की जनता पर चवरी कर भी लगाया था। याद आया होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन में खूब अच्छे से मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए आप, लगान वसूल करने की वह प्रणाली जिसमें खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित किया जाता था कहलाती थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसके विकल्प है आपके सामने ये रहे, विकल्प नंबर फर्स्ट मिसल, विकल्प नंबर सेकंड कूता, विकल्प नंबर थर्ड बिगोड़ी और विकल्प नंबर 4 कीणा। तो कौन सी कहलाती थी, बहुत सामान्य सा प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 2, कूता। और आपको मैंने कई बार बताया
कि ये कूटा लगान वसूली की वो पद्धति थी जिसने किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान किया, सबसे ज़्यादा डिफेम पद्धति थी है, सबसे ज़्यादा अव्यवहारिक असंगत पद्धति थी है। इसका इससे लगान का निर्धारण करना बहुत ही अव्यवहारिक था। तो कुंता पद्धति से जो लगान निर्धारण किया जाता था, चूंकि वो अनुमानित होता था, तो अनुमान हमेशा रियासत के कर्मचारी, जागीरदार के कर्मचारी अनुमान क्या करते थे, अधिक से अधिक, और उसका भार किसानों के ऊपर पड़ता था। तो कुंता पद्धति से किसान बहुत अधिक दुखी थे, परेशान थे और शोषित थे। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी लाख गुजरा लाख के नाम से भी प्रसिद्ध थी, जो लगभग 1 रुपया प्रति व्यक्ति होती थी। गुजरा लाख, तो इसके विकल्प है आपके सामने ये रहे। पहला विकल्प जाजम लाख, दूसरा विकल्प चवरी लाख, तीसरा विकल्प खिचड़ी लाख और चौथा विकल्प राम राम लाख। राम राम करते हैं ना आपस में मिलते हैं जब, तो राम राम लाख। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, कम लोगों को इस लाख के बारे में पता है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है 4, राम राम लाख। देखिए आप, ये गुजरा लाख होती थी, राम राम लाख, यानी कि जब कोई व्यक्ति जागीरदार से मिलने जाता था, राजवंश के किसी व्यक्ति से मिलने जाता था, तो उसे गुजरा लाख देनी होती थी, या जागीरदार उस क्षेत्र में आता था और वो उससे मिलता था, उस समय उसे वो लाख दी जाती थी। यानी जब मिलते थे उस समय राम राम करने की, यानी कि अभिवादन के लिए एक लाख दी जाती थी और वो लाख कहलाती थी गुजरा लाख। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का गुजरा लाख। मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों ने, जिन्होंने वो जागीरदारी व्यवस्था वाली यूनिट पढ़ी है, और जिसने नहीं पढ़ी है, आप लोग वास्तव में राजस्थान के किसी भी परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो आप मिशन के प्लेटफॉर्म पर पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन वो यूनिट आपको पढ़नी ज़रूर चाहिए। तो लग 27 मार्च की वो मेरी यूनिट है जो मैंने पढ़ाई थी, उसमें इस व्यवस्था को अच्छी तरह से समझाया था। जिन्हें ये नहीं पता है, उन्हें ज़रूर से वो वीडियो फिर से देखना चाहिए। और अपना ये वाला जो पार्ट है, देखिए आप, राजस्थान की सामान्य यूनिट जो बहुत प्रसिद्ध यूनिट है, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो सभी सही करेंगे। ये वो यूनिट है जिनसे प्रश्न आते हैं, लेकिन राजस्थान के प्रतियोगी इस यूनिट को पढ़ते कम हैं। तो आपको मेरिट में जंप लेना, ये प्रतियोगिता है। जो प्रश्न किसी को नहीं आए वो आपको आना चाहिए, और जो सबको आए वो तो आना ही चाहिए। जो प्रश्न सबको आ रहा है वो तो, उसका ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, लेकिन जो किसी को नहीं आ रहा वो अगर आपको आ गया तो आप मेरिट में जंप कर जाएंगे। तो हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके समक्ष ये रहा। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न है सुमेलित करिए। एक ही प्रश्न में आप कई प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे, एक ही प्रश्न से आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो सुमेलित करिए। सुमेलित में एक तरफ जो हमारे विकल्प है वो है राजस्व संबंधी शब्द, ये रहे आपके किसे सुमेलित करना, दोनों खंड इसके पास विद्यमान है आपके पास। एक तरफ है देखो आप राजस्व संबंधी शब्द, एक तरफ है आपके तथ्य, यानी कि वो जो शब्द है उससे संबंधित उसकी व्याख्या क्या है। तो राजस्व संबंधी शब्द में है, ए में है अड़सट्टा, बी में है सायर, सी में है छटुंद और डी में है याददाश्त। और तथ्य क्या है, ए में है चुंगी कर का सामूहिक नाम, बी में है आय का 1/6 भाग जो मेवाड़ में जागीरदार शासक को देता था, सी है जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड और डी है पट्टे की एक किस्म। अब आपको वर्ग राजस्व संबंधी से वर्ग 2 तथ्य से मिलान करना है, सुमेलित करना है, और उसे सुमेलित आप लोग कर लीजिए, फिर मैं आपके समक्ष विकल्प रखता हूं। और ये रहे इसके विकल्प आपके सामने। और उचित कुट का चयन जो है वो क्या है, फर्स्ट ए डी सी
बी, सेकंड सी ए बी डी, थर्ड डी बी ए सी, फोर्थ ए सी डी बी। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लगाओ दिमाग, करो हल फटाफट, आना चाहिए प्रश्न आपको। हमने सारी चीज़ें राजस्व संबंधी पढ़ी हुई है, मैंने आपको इनके बारे में बताया हुआ है, और जो मिशन की कक्षाओं का रेगुलर प्रतियोगी है उसे इन सभी के उत्तर आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है, बता दूं, यस, इसका राइट आंसर है दो। क्या है इसमें? सी ए बी डी, यानी अड़सट्टा क्या है? जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। बी सायर, सायर क्या है? चुंगीकर का सामूहिक नाम। सी छटुंद क्या है? छटुंद, छटुंद है राज्य का एक बटा छठा भाग जो मेवाड़ में जागीरदार शासक को देता था। मैंने आपको बताया था जागीरदार व्यवस्था में कि मेवाड़ रियासत में ये परंपरा थी कि जब जागीरदार को मेवाड़ के महाराणा के दरबार में उपस्थित होना था, या रियासत के राज उत्सव में उपस्थित होना था, या अन्य कार्यों के लिए उपस्थित होना होता था, उस समय कोई जागीरदार वहाँ स्वयं की उपस्थिति से वंचित रहना चाहता था तो उसे मेवाड़ के महाराणा को एक लाख देनी पड़ती थी, एक कर देना पड़ता था, और वो कर कहलाता था छटुंद कर। और डी यानी याददाश्त जो है वो क्या है? वो पट्टे की एक किस्म है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस एक प्रश्न से आपके 4-5 नए प्रश्न तैयार हुए हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से रिकॉल करके, रिवाइज कर करके देख के समझना, परीक्षा उपयोगी ये सभी प्रश्न हैं, आपको आने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्यकाल में भू राजस्व के अन्य प्रचलित नाम थे। देखिए आप, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कम सुना जाता है, हालांकि ये यूनिट ऐसी है जो राजस्थान के प्रतियोगी ना कम पढ़ते हैं, वो फिर भी ऐसी यूनिट के प्रश्नों को हल करना ही अपनी सफलता को अर्जित करने का बहुत बड़ा माध्यम होता है। तो इसके विकल्प हैं आपके सामने, ये रहे। विकल्प नंबर 1 लगान, विकल्प नंबर 2 भोग, विकल्प नंबर 3 हासिल और भोग, और विकल्प नंबर 4 उक्त सभी। तो प्रश्न है, मध्यकाल में भू राजस्व के अन्य प्रचलित नाम थे। तो भू राजस्व के जो नाम थे उनमें से कौन सा राइट आंसर है, ये प्रश्न तो आपका सही होना चाहिए, और ये प्रश्न सभी का सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और जिसकी जिसका ये प्रश्न गलत हुआ ना, उसकी डांट पड़ेगी जोरदार, क्योंकि ये सामान्य सी बात है, ये कम से कम आप लोगों को आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 4, उक्त सभी। लगान देखो था, नाम लेते, भोग लिया जाता था, हासिल और भोग लिया जाता था, यस। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए आज जो प्रश्न है, ये प्रश्न मोबाइल की स्क्रीन के साथ खेलने वालों के लिए नहीं है, ये प्रश्न पढ़ाई के नाम पर टाइम पास करने वालों के लिए नहीं है, ये प्रश्न वो ही हल कर सकता है जो आने वाले कल के भविष्य के इतिहास में सफलता का इतिहास अपना लिखवाएगा। जिसको सफलता प्राप्त करनी उनको ऐसे प्रश्न आने चाहिए। हमें क्या होता है अभी राजस्थान में, क्या होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, और राजस्थान के युवा क्या हैं, जहाँ थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए, नौटंकी हो जाए, कहानी किस्से गज़लें हो जाए, है ना, तो वो समझो आप उम्र की जिस दहलीज पर आप लोग खड़े हो, वहाँ बेरोजगारी को खत्म करना हमारा पहला कर्तव्य है, हमारी प्राथमिक कार्यों की पहली लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है, और उसके लिए आपको गंभीर पढ़ाई करनी होगी, और वो यूनिट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जिनको पढ़ने में चाहे आपको जोर आए तो आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षा में ये प्रश्न आए और उसका उत्तर नहीं आए, परीक्षा में उत्तर आना चाहिए। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ये है, निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है? देखिए आप, बहुत बढ़िया प्रश्न, इसके विकल्प है आपके सामने, ये विकल्प नंबर 1 मालभूमि यानी काली उपजाऊ भूमि, दूसरा है इसका विकल्प हकत बकत जोती जाने वाली भूमि। देखिए
सुमेलित करना है आपको, युग्म सुमेलित कौन सा है। तीसरा है डीमडू, गांव के पास वाली भूमि। और चौथा है मगरा भूमि, पहाड़ी क्षेत्र की जमीन। तो इनमें से असुमेलित कौन सा है? मालभूमि, क्या वो काली उपजाऊ भूमि को कहा जाता था? हकत बकत, क्या जोती जाने वाली भूमि को कहा जाता था? डिमडू, क्या गांव के पास वाली भूमि को कहा जाता था? मगरा भूमि, क्या पहाड़ी क्षेत्र की भूमि को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर, यानी कि इसमें से असुमेलित कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है तीन, डिमडू। गांव के पास वाली भूमि को डिमडू नहीं कहा जाता। डिमडू भूमि कौन सी होती थी? कुएं या गड्ढे के पास वाली भूमि को डिमडू कहा जाता था। और जिन्होंने इससे पहले वाली कक्षा पढ़ी है, जागीरदार काल में कर व्यवस्था वाली, उन्हें इस बात का पता होगा। तो माल भूमि काली उपजाऊ भूमि को कहते थे, हकत बकत जोती जाने वाली भूमि को कहते थे, मगरा भूमि कई बार परीक्षाओं में, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, ग्रेड सेकंड की परीक्षा हो, पटवारी या कांस्टेबल की परीक्षा हो, मगरा भूमि का प्रश्न बहुत आया। निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र को मगरा क्षेत्र कहा जाता है? मगरा क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में विद्यमान है? राजस्थान की भील जनजाति का निवास अधिकांश किन क्षेत्रों में है? तो उदयपुर, डूंगरपुर का ये राजसमंद वाला जो पहाड़ी क्षेत्र वाला जो भाग है, वो मगरा भूमि कहलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों शब्द इनका पता होना चाहिए। तो असुमेलित है डिमडू। डिमडू गांव के पास वाली भूमि को नहीं कहते थे, डिमडू कहा जाता था कुएं या गड्ढे के पास वाली भूमि को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, और यह है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रहा, यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उस कार्य से, जिस कार्य को करते समय हमें थोड़ा सा तनाव, या हम जिस कार्य को करते समय थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल में महसूस करें, एक बात याद रखो, मेरा 20 साल में प्रतियोगिता परीक्षा में पढ़ाने का जो अनुभव है वो ये कहता है कि वो जो अपना पार्ट है, वो जो समय है, वो जो कार्य है, आने वाले कल में वही कार्य हमारे लिए वरदान साबित होता है। देखिए आप, जो गोली हमें कड़वी लगती है वही बीमारी का इलाज करती है। पिपरमेंट की गोली ने किसी बीमारी का इलाज किया नहीं आज तक। मीठी गोली न तो खानी चाहिए न देनी चाहिए। और इसी प्रकार वो बातें जो हमारे मन को बहला देती है, वो बातें जो हमें भविष्य के निर्माण में, सफलताओं को अर्जित करने में और मंजिलों को प्राप्त करने में काम कम आती है। हम ये बात संदर्भ मैंने आपको इसलिए बताई कि जिस यूनिट के क्वेश्चन आंसर मैं आपको लेकर आया हूँ, उन क्वेश्चन आंसर को हल करना और ऐसे क्वेश्चन आंसर को पढ़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। आप इन 25 प्रश्नों का जो मैं आपके समक्ष आज लेकर आया हूँ, इनको आप अच्छी तरह से समझिए, इनकी व्याख्याओं को समझिए। फर्स्ट सेकंड क्विज अपनी चल रही है, हमारी टेक्निकल टीम जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं, आपके नाम विजेताओं के डिक्लेयर किए जाएंगे जैसे पिछली क्विज में किए गए थे। लेकिन आप इस क्विज के लिए भी अपने आप को तैयार करिए, प्रिपेयर करिए और गंभीरता से आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो आपके समक्ष है क्वेश्चन नंबर 14। गांव में ही स्थायी रूप से रहने वाला कृषक कहलाता था। अच्छा प्रश्न है, सुना होगा आपने। इसके विकल्प रहे आपके समक्ष ये, विकल्प नंबर है फर्स्ट पाही कास्ट, विकल्प नंबर सेकंड गेवती, विकल्प नंबर थर्ड रेयती, विकल्प नंबर फोर बापीदास। देखिए आप, सरल सा प्रश्न है, गांव में ही स्थायी रूप से रहने वाला कृषक कहलाता था। तो इसका राइट आंसर है, फटाफट दो आप, हमारी टेक्निकल टीम को बताओ कि आपको जानकारी इसके, यस, इसका राइट आंसर है सेकंड, गेवती कहलाता था। स्थायी रूप से रहने वाला जो कृषक होता था वो गेवती कहलाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म छाटी है। असुमेलित युग्म छाटना, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर से पहला है बापीदार, खालसा क्षेत्र के वह किसान जिन्हें स्थायी भू स्वामित्व प्राप्त था। सेकंड पाही कास्त, वह किसान जिनके पास गांव में कृषि भूमि नहीं थी
वे अन्य गांव से कृषि भूमि प्राप्त करते थे। थर्ड नंबर है इसका विकल्प, नानकर, रोटी के लिए कार्य करना। चौथा है रियायती, वे कृषक जिन्हें अधिकार प्राप्त न थे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको असुमेलित युग्म छाटना है। इन चारों में से असुमेलित कौन सा है? तो यस, फटाफट आप दीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है 4, रियायती, यानी वे कृषक जिन्हें अधिकार प्राप्त न थे वो क्या कहलाते थे? रियायती कहलाते थे। तो रियायती वो रियायती नहीं कहलाते थे। रियायती तो कौन से कृषक होते थे? गांव के ऐसे मूल कृषक जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो विकल्प नंबर 4 असुमेलित थे और बाकी के तीनों विकल्प सही हैं। तो आपको इस प्रश्न के माध्यम से बापीदार, पाही कास्त, नानकर ये क्या होते थे ये भी पता चला, और रियायती कौन से कृषक होते थे? गांव के ऐसे मूल कृषक जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। और ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? वे कृषक जिन्हें अधिकार प्राप्त न थे, इसलिए विकल्प नंबर 4 गलत है, असुमेलित है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है, पहले भी आ गया, अभी हमने व्याख्या की थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने, ये है, सायर राजस्थान के किस राज्य में प्रचलित चुंगी कर था? सायर राजस्थान के किस राज्य में प्रचलित चुंगी कर था? इसके विकल्प रहे ये आपके सामने, और इसका विकल्प नंबर 1 है जोधपुर, विकल्प नंबर 2 है जयपुर, विकल्प नंबर 3 है अजमेर, और विकल्प नंबर 4 है भिलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर सायर, देखिए आप सायर शब्द, सायर, तो इसका राइट आंसर है 2, जयपुर। जयपुर राज्य में प्रचलित चुंगी कर को सायर कहा जाता था। जयपुर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात तथा चुंगी कर का सामूहिक नाम सायर होता था। जो जयपुर रियासत थी, उस जयपुर रियासत में जो सीमा शुल्क लिया जाता था, जो आयात निर्यात कर लिया जाता था, जो चुंगी कर लिया जाता था, उसका सामूहिक नाम, यानी ये सब मिलकर जो कहलाता था एक शब्द में, सायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। राज्य में प्रायः उपज का कितना भाग लगान के रूप में लिया जाता था? कितना भाग प्रायः लगान के रूप में लिया जाता था? तो विकल्प नंबर 1 इस, ये रहे विकल्प, विकल्प नंबर 1 1/3, विकल्प नंबर 2 1/4, विकल्प नंबर 3 सिर्फ 1, विकल्प नंबर 4 1/2। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बहुत सामान्य प्रश्न है, तो सबको आना चाहिए, फटाफट उत्तर दो इसके। आप हमारी टेक्निकल टीम आपको अभी नाम लिख कर देखो, अभी विजेता घोषित करेंगे। यस, इसका राइट आंसर है 4, यानी 1/2। सामान्यतया लगान 1/3 से 1/4 तक ली जाती थी, तो 1/2 दोनों ही विकल्प सही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, तो ये रहा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आप, निम्न में से कौन से कर मुगलों के संपर्क से राजस्थान में आरंभ हुए थे, है ना? आरएस में, पीएसआई में और राजस्थान की अन्य परीक्षाओं में खूब बार पूछा जा चुका है। क्या है ये? निम्न में से कौन से कर मुगलों के संपर्क से राजस्थान में आरंभ हुए थे? ये रहे इसके विकल्प, विकल्प नंबर 1 राहदारी, विकल्प नंबर 2 पेशकश, विकल्प नंबर 3 जकात, और विकल्प नंबर 4 उक्त सभी। तो जो इतिहास के विद्यार्थी हैं विशेषकर वो, और जो गंभीर प्रतियोगी हैं, उन्हें इसका उत्तर जरूर से आता होगा। यस, इसका राइट आंसर है 4, यानी कि राहदारी, पेशकशी, जकात, ये वो कर थे जो मुगल शासन के प्रभाव से राजस्थान की कुछ रियासतों में प्रारंभ किए गए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, वे कर व महसूल जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध थे कहलाते थे। इनके विकल्प रहे ये आपके सामने, पहला
सायरा जहाती, दूसरा आब वाब, तीसरा कागड़ी और चौथा हिरण्यक। वे कर व महसूल जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध थे वो क्या कहलाते थे? इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर है आबवाब। आबवाब वो कर और महसूल थे जो धर्मशास्त्रों के विरुद्ध हुआ करते थे, यानी धर्मशास्त्रों में इस प्रकार के करों को लगाने का निषेध माना जाता था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जब राज्य अपना हिस्सा मुद्रा के रूप में कृषकों से वसूल करता था तब वह कर कहलाता था। जब राज्य अपना हिस्सा मुद्रा के रूप में कृषकों से वसूल करता था तब वह कर क्या कहलाता था? विकल्प रहे आपके सामने ये, पहला हिरण्यक, दूसरा भाग, तीसरा फरोही, चौथा उद्रंग। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रहना चाहिए और अच्छे से आपको इसे रिकॉल करना चाहिए। अगर आपने सुना है, आपने पढ़ा है तो यस, इसका राइट आंसर है हिरण्यक। हिरण्यक जो था, राज्य अपना हिस्सा मुद्रा के रूप में कृषकों से जो वसूल करता था तब वह कर जो है वो हिरण्यक कहलाता था। मुद्रा के रूप में जो वसूल करता था वो हिरण्यक कहलाता था। देखो उद्रंग व भाग ऐसे भूमि कर थे जो उपज के रूप में लिए जाते थे। भाई पता होना चाहिए आपको, ये चारों ही विकल्प इंपॉर्टेंट है। उद्रंग व भाग ऐसे भूमि कर थे जो उपज के रूप में लिए जाते थे और विभिन्न व्यवसायों पर फरोही कर लिया जाता था। तो चारों विकल्प के चारों जो ये कर है पता चले आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो को रिवर्स करके फिर देखना और सुनना चाहिए, जरूरी नहीं आप इसका राइट आंसर दो, लेकिन ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर आने चाहिए। हिरण्यकर राज्य अपना हिस्सा मुद्रा के रूप में जो कृषकों से वसूल करता था वो, उद्रंग व भाग ऐसे भूमि कर जो उपज के रूप में लिए जाते थे और विभिन्न व्यवसायों पर जो कर लिए जाते थे वो फरोही कहलाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है वो है एक, हिरण्यक। तो ये 20 प्रश्न थे। इन 20 प्रश्नों में जो आपकी क्वीज रही, इन 20 प्रश्नों के उत्तर जिन्होंने सबसे जल्दी दिए, हमारी टेक्निकल टीम उनके नाम अच्छे से विश्लेषण करके निकाल रही है। अब अगले 5 प्रश्न आपके समक्ष वो होंगे जिनमें ऐसे प्रतियोगी जो इस क्वीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकल कारणों की वजह से उनका उत्तर हमारे प्लेटफॉर्म पर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तुरंत नहीं आ रहा है। तो ऐसे सभी को लेकर जो 3 विजेता हैं वो तो 25 प्रश्नों में से डिक्लेयर किए जाएंगे और अगले 5 प्रश्नों के लिए 2 विजेताओं के नाम और घोषित किए जाएंगे। तो इस श्रृंखला में, यानी कि ये क्वीज का वृहत रूप है जिसमें, अच्छा कभी कभी क्या होता है, मन का इंसान बहुत भोला होता है, वो सभी अच्छे उत्तर दे रहा है, सही उत्तर दे रहा है, राइट टाइम पर क्लिक कर रहा है, लेकिन किसी तकनीकी कारण की वजह से हमें यहाँ क्लिक नहीं हो रहा और उसका नाम नहीं आता है, तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि मैंने सभी प्रश्नों को उत्तर दिए और मेरा नाम नहीं आया। तो ऐसे प्रतियोगियों का, ऐसे प्रतिभागियों का नाम भी आना चाहिए, इसलिए 5 प्रश्न रखे गए। प्रश्न बहुत अच्छे हैं और विजेताओं के नाम भी अच्छे होने चाहिए। तो इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 21, और ये रहा आपके सामने, तलवार बंधई का स्वरूप क्या था? और इसके विकल्प हैं ये आपके सामने। विकल्प नंबर 1, युद्ध जीतने पर सेनापति को दिए जाने वाला सम्मान, क्या तलवार बंधई ये था? सेकंड नंबर विकल्प, नए जागीरदार के गद्दी नशीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। विकल्प नंबर 3, सैनिक की कुशलता के लिए किया जाने वाला विधान। और विकल्प नंबर 4, राजकुमारों के शस्त्र प्रशिक्षण का आरंभ। तो तलवार बंधई बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में आया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सभी ने राइट आंसर दिया होगा। यस, इसका राइट आंसर है 2। मेवाड़ रियासत की परंपराओं में जब किसी जागीरदार की ठिकानेदार की मृत्यु होती थी
तो जिसे उसका उत्तराधिकारी बनना होता था उसे रियासत के शासक को कुछ नजराना यानी कुछ धन कर के रूप में भेजना होता था, वो तलवारबंदी कर कहलाता था, और वो तलवारबंदी यानी कि उत्तराधिकारी कर कहलाता था। तो इसका राइट आंसर है 2। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? और इसके विकल्प रहे ये आपके सामने, विकल्प नंबर 1 बीकानेर, विकल्प नंबर 2 उदयपुर, विकल्प नंबर 3 मेवाड़, और विकल्प नंबर 4 मारवाड़। तो किस रियासत में साध प्रथा थी भूमि बंदोबस्त? तो इसका राइट आंसर है, हमने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन के समय इसका उल्लेख किया था, इसका राइट आंसर है मेवाड़। मेवाड़ रियासत में भूमि बंदोबस्त की एक प्रथा थी, साध प्रथा भी उसे कहा जाता था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये रहा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 23। लाटा और कुता निम्न में से किससे संबंध दर्शाते हैं? लाटा एवं कुता निम्न में से किससे संबंध दर्शाते हैं? और ये रहे इसके विकल्प आपके सामने, विकल्प नंबर 1 जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर से, विकल्प नंबर 2 दैनिक सुविधाओं पर लगाए गए कर से, विकल्प नंबर 3 उपज पर आंकने की पद्धतियों से, और विकल्प नंबर 4 माल व चुंगी कर से। इसका राइट आंसर है, फटाफट दीजिए, लेकिन चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद देना, जल्दबाजी मत कर जाना इसमें। यस, इसका राइट आंसर है 3, उपज पर आंकने की पद्धति। उपज पर कर आंकने की पद्धतियों के नाम थे लाटा और कुता। लाटा एवं कुता पहले भी मैंने कई बार बताया ये कर नहीं थे, राजस्थान के कई शिक्षक इनको कर बताते, बोले लाटा करता कुता करता, लाटा कुटा कर की वजह से किसान परेशान ने, लाटा कुटा कर निर्धारण की पद्धतियां थी, कर को आंकने की पद्धतियां थी, लगान को अनुमान लगाने की पद्धतियां थी, लगान वसूल करने की पद्धतियां थी, लाटा और कुटा कर नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है 3, उपज पर कर आंकने की पद्धति। तो जिन लोगों ने इसका एक नंबर राइट आंसर किया है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद उत्तर दीजिए। यस, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज की क्विज का 2nd लास्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके समक्ष, मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग कहलाती थी। मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग कहलाती थी, और इसके विकल्प रहे आपके समक्ष ये, पहला खरगढ़ी, दूसरा बकरा लाग, तीसरा सिंगोटी लाग, और चौथा राली लाग। विक्रय के समय ली जाने वाली कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर फटाफट दो आप लोग, 2nd लास्ट क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो मिशन के रेगुलर हमारे दर्शक और ऑडियंस है, वो जरूर से इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे उन्होंने, और जो मिशन के रेगुलर दर्शक नहीं है, प्रतियोगी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिशन की वीडियो को देख रहे हैं, और आज पहली बार भी अगर आप लोग आए हैं तो आपने कहीं पढ़ाई की होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो इसका राइट आंसर है सिंगोटी 3। यस, सिंगोटी 3 इसका राइट आंसर है, मवेशी के विक्रय के समय ये वसूल की जाने वाली लाग थी। और जो ये खरगड़ी थी ना, ये खरगड़ी जो लाग होती थी वो सार्वजनिक निर्माण या दुर्गों के भीतर निर्माण कार्यों के लिए गांवों से बेगार में गधों को मंगवाया जाता था, परंतु बाद में गधों के बदले खरगड़ी लाग वसूल की जाने लगी। यानी कि अगर वो बेगार के लिए वो गधे नहीं भेज रहा है तो उसकी एवज में उससे एक लाग वसूल कर ली जाती थी, और वो कहलाती थी खरगड़ी लाग। बकरा लाग क्या थी? प्रत्येक काश्तकार से जागीरदार एक बकरा स्वयं के लिए लेता था, कुछ जागीरदार बकरे के बदले प्रति परिवार से 2 रुपया वार्षिक लेते थे, यही बकरा लाग कहलाती थी। और राली लाग, ये राली लाग क्या होती थी? प्रतिवर्ष काश्तकार अपने कपड़ों में से एक गद्दा या राली बनाकर देता था, वो जागीरदार व उसके कर्मचारियों के काम आती थी।
ये रैली लाग कहलाती थी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 आज की क्विज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसके चारों विकल्प अपने राइट आंसर, तो जो प्रश्न पूछा उसका तो राइट आंसर थर्ड था ही, सिंगोटी लाग मवेशी यानी जानवरों के विक्रय के समय ली जाने वाली लाग। लेकिन खरगड़ी, बकरा लाग और राली लाग भी क्या थी ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई राजस्थान का एग्जामिनर राजस्थान से संबंधित कोई प्रश्न सेट कर रहा है तो ये वो लागे हैं जो उसे आकर्षित करती है कि वो प्रतियोगियों से पूछे, यानी अट्रैक्ट करती है, शाइनिंग देती है कि इस प्रकार के प्रश्न बनने चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन और वो है ये 25, क्वेश्चन नंबर 25, नजराना क्या था। क्वेश्चन नंबर 25 है, नजराना क्या था, और इसके विकल्प हैं आपके समक्ष ये रहे। पहला, प्रतिवर्ष जागीरदार व पटेल द्वारा किसानों से वसूली जाने वाली लाग। विकल्प नंबर दो, जागीरदार द्वारा अपनी संतानों के विवाह के अवसर पर कृषकों से ली जाने वाली लाग। विकल्प नंबर थर्ड, किसानों से ली जाने वाली अवैध रकम। और विकल्प नंबर फोर, उक्त कोई नहीं। तो नजराना क्या था, खूब बार किसान आंदोलन के दौरान मैंने आपको बताया है। 25th क्वेश्चन इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन, और मेरी दुआएं और आशा कि राजस्थान का हर प्रतियोगी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा। यस, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, पहला, प्रतिवर्ष जागीरदार व पटेल द्वारा किसानों से वसूल की जाने वाली लाग सामान्यतया, ऐसा नहीं कि हर जागीरदार हर ठिकाने में, ऐसा ही नियम था। लाग वो होती थी जो अवसर विशेष पर ली जाती थी, तो जागीरदारों और पटले के द्वारा वसूल की जाने वाली लाग नजराना कहलाती थी। तो ये आज की क्विज के थे आपके 25 प्रश्न। देखिए इन इस क्विज के 25 प्रश्नों में की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो राजस्थान का वो प्रतियोगी जो इन 25 प्रश्नों के समय लगातार इस क्विज में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी जिसने, इसका मतलब उसके अंदर पढ़ने का भाव है, पढ़ने की क्षमता है और पढ़ाई का साहस है। क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जिनको पढ़ना, जिनको हल करना, भागता इससे पलायन करता है प्रतियोगी, जोर आता है ऐसे प्रश्नों को हल करने में। तो जिसने 25 प्रश्नों को अटेम्प्ट ही कर लिया, इस 25 प्रश्नों की क्विज के दौरान इस पूरे वीडियो में जो उपस्थित हो गया, एक गुण तो कम से कम उसके अंदर है कि वो अच्छा पढ़ना चाहता है। और जिसमें ऐसा गुण है ईश्वर उसको 100% सफलता देता है। तो जिसने उत्साह के साथ और बहुत क्रियाशीलता से इस क्विज में भाग लिया है वो सभी बधाई के पात्र। और ऐसे प्रतियोगी जो जितना पार्टिसिपेट कर पाए अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपने भावों के अनुसार, उनको भी शुभकामनाएं, ईश्वर सबको सफल करे। लेकिन जो ईमानदार है और जो अपने कर्म के प्रति डिटरमाइंड है वो पहले सफल होना चाहिए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्विज के अपलोड होने के यानी कि रिलीज होने के 5 घंटे बाद इसके विजेताओं के नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। और इस क्विज जहाँ चलेगी ये वीडियो उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें मिशन इंस्टीट्यूट वहाँ पर भी विजेताओं के नाम डिक्लेयर करेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी विजेताओं के नाम डिक्लेयर करेगा, और मिशन का जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ पर भी विजेताओं के नाम डिक्लेयर करेगा। तो आप इंस्टाग्राम पर, आप टेलीग्राम ग्रुप पर, आप फेसबुक पर और आप यूट्यूब पर आज की क्विज के विजेताओं के नाम जान सकते हैं। और इससे पहले वाली क्विज के भी विजेताओं के नाम डिक्लेयर किए जा चुके हैं। जो विजेता हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, ईश्वर आपको इसी प्रकार हमेशा विजेता बनाए रखे। और जो विजय नहीं हो पाए उनके लिए भी शुभकामनाएं, आप भी विजेता ही हैं। कुछ क्षण के कारण अगर आगे पीछे हो गए हैं या टेक्निकल कमियों के कारण आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन अगर आपका प्रश्न सही है तो आप 100% आने वाली परीक्षा के विजेता हैं। ईश्वर आप सभी को सफल करे। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।